Where is that? You'll see in a minute. Wait. Okay. Maybe Tonya. Okay. Don't drop it. These are small fishes, right? Yeah, yeah. You'll see a shot. You'll see in a minute. तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी शार्क है, तो हम लोग वही देखने के लिए आए हुए हैं। ओह, दिस वन राइट? देयर या या। एंड टू। ओह। तो अब हम देखेंगे इन शार्क्स को पानी के अंदर जाके। बट बिफोर दैट लाइक दिस वीडियो एंड लेट मी रोल दिस इंट्रो। मालदीव्स, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लेस ऑफ ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स एंड हनीमूनर्स। But is Maldives worth all the hype? I recently got married and then I planned a trip to Maldives for my honeymoon and I decided to make a travel series about our Maldives trip. So this will be a travel vlog cum travel guide to Maldives where I will try to cover all the needed details in this video. Good morning beautiful people, this is day 3 in Maldives. So aaj hum kafi masti karne wale hain, kafi masti mazak chalne wala hai और काफ़ी घूमने वाले हैं पैराडाइज आइलैंड में। कल थोड़ी सी चीज़ें छूट गई थी, वो भी करने वाले हैं। कुछ चीज़ें प्लान्ड हैं, कुछ अनप्लान्ड है, लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे क्या क्या प्लान्ड है। आप देखिए वीडियो में आगे और बने रहिए हमारे साथ। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये डे 3 है, इससे पहले के डेज का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ चैनल में। अगर वो नहीं देखा है तो पहले वो देखिए फिर इस पर आइए। और ज़रूर बताइए कि आपको मालदीव सीरीज कैसी लग रही है। तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने आ चुके हैं और आज मैंने लिया है पूरा इंग्लिश ब्रेकफास्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए दिखा देते हैं। I will go for snorkeling. I have already done the snorkeling in Thailand, but so I don't need snorkeling session. Snorkeling session cost around $50, so I can just rent the equipment, which will cost me around $19, and then I can go anywhere and do snorkeling. So that's what I planned. Let's do snorkeling today. So I got my snorkeling gear. Here are snorkel, headgear, life jacket. So we are ready for snorkeling. मैं अपने विला में जा रहा हूँ चेंज करने के लिए। ये लाइफ जैकेट वगैरह सब कुछ पहन के निकलेंगे स्नॉकलिंग के लिए। वैसे तो आइलैंड के आसपास कहीं भी स्नॉकल कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि इटालियन रेस्टोरेंट के पास स्नॉकल की अच्छी जगह है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फिशेज देखने मिल सकते हैं। तो स्टार्ट वहीं से करेंगे हम लोग, तो मिलते हैं चेंज करने के बाद। तो मैं रेडी हो चुका हूँ स्नॉकलिंग के लिए और ये है मेरा स्नॉकलिंग लुक। अभी ये हेड गियर डालेंगे जैसे ही पानी में उतरेंगे। तो अभी जा रहे हैं इटालियन रेस्टोरेंट के पास स्नॉकलिंग करने के लिए।
Where is that? You'll see in a minute. Wait. Okay. Maybe it's on you. Okay. Don't drop it. These are small fishes, right? Yeah, yeah. You'll see a shot. You'll see it in a minute. Usually comes from under here. तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी शार्क है, तो हम लोग वही देखने के लिए आए हुए हैं। ओह, दिस वन राइट? देयर या या एंड टू। ओह, तो लास्ट टाइम स्नॉर्कलिंग मैंने थाईलैंड में की थी, उस टाइम पे तो आसपास में लाइफगार्ड और ये सब मतलब सेफ्टी के सब कुछ फीचर थे। अभी मैंने सोचा कि स्नॉर्कलिंग मैं खुद से करूँगा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डर लग रहा है गहरे पानी में, तो मैं ये सीढ़ियों के आसपास ही घूम रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ी बहुत मछलियाँ हैं, लेकिन अगर आप वहाँ देख सकते हैं एक बंदा स्विम कर रहा है जो अभी हम लोगों के साथ भी बात कर रहा था, वो बता रहा था कि वहाँ पर शार्क है। वो बंदा शार्क को देखने के लिए वहाँ पर गया हुआ है, तो ही सेइंग कि काफ़ी फ्रेंडली शार्क्स हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उनको लात मारोगे तो वो भाग जाएंगे वहाँ। जितना भी मूवीज़ में शार्क के बारे में देखा है, उन्हें देख के तो थोड़ा सा डर ही लगता है। बाकी देखते हैं, थोड़ी हिम्मत आएगी तो आगे बढ़ेंगे। Subscribe to The Last Rover. ये जो इटालियन रेस्टोरेंट के पास का जो स्पॉट था, वो पैराडाइज आइलैंड में सबसे बेस्ट स्पॉट बोला जाता है स्नॉकलिंग के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने और लोगों से पूछा कि कहीं भी स्नॉकल कर सकते हैं, तो और भी जगहों पे देखा जाए स्नॉकलिंग करके, हो सकता है कुछ डिफरेंट देखने को मिले।
तो बस अब वही करने के लिए निकल चुके हैं। तो अभी मैं बीच के सामने स्नॉर्कल करने आया हूँ। पानी काफ़ी साफ है यहाँ पर, वैसे उस टाइप का ग्रीन नहीं दिख रहा जैसा वहाँ पे दिख रहा था। यहाँ पर रेत ज़्यादा है तो आप देख सकते हैं सफ़ेद कलर का पानी है, लेकिन तब भी यहाँ पर स्नॉर्कल किया जा सकता है। गहराई भी नहीं है इसलिए स्विमिंग करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बट लेट्स ट्राई। दिस इज़ अमेजिंग। मैंने ये सब सिर्फ YouTube के वीडियोस में देखा था और हमेशा सोचता था कि ऐसे कहीं लेटने में जाकर कितना मस्त लगेगा, और अभी जब फील कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग लग रहा है। को मैंने एक और राउंड स्नॉकलिंग की, उसके बाद मैं रूम पे आया, मैंने नहाया धोया कपड़े चेंज किए और अभी थोड़ा और एक्सप्लोर करने निकलेंगे आइलैंड को। आज एक और एक्टिविटी है, जैसे कल स्टिंगरे फीडिंग था, आज दूसरे साइड में आइलैंड के दूसरे साइड में शार्क फीडिंग चल रहा होगा, सेम वे में जैसे कल स्टिंगरे को खाना खिला रहे थे और एक शो हो रहा था, सेम वे में यहाँ पर डेली यह शार्क फीडिंग का शो भी होता है। शार्क फीडिंग इवेंट ख़त्म हो चुका है, हमने देखा कि कैसे वहाँ पे मांस के टुकड़ों को शार्क को फीड किया जा रहा है, और मांस के टुकड़े चिकन के थे या किसी और जानवर के थे या फिशेस थी ये नहीं पता। कल मैंने स्टिंगरे को खिलाया था तब मुझे पता चला था कि वो फिश थी क्योंकि उसके स्मेल से पता चल गया, आज मैंने किसी को खिलाया नहीं तो मुझे पता नहीं। एंड इट्स कैरी टू सी सो मैनी शार्क्स टुगेदर, गलती से कोई गिर जाए तो क्या होगा, बट जितना मैंने सुना है कि वो फ्रेंडली शार्क्स हैं, एटलीस्ट इंसानों को तो नहीं खाती। सो गाइस, आज का दिन बहुत अच्छा रहा पैराडाइज आइलैंड में, और मैंने आज बहुत कुछ किया। आज मैंने स्नॉकलिंग की, काफी सारी फिशेस देखी, बीच पर एंजॉय किया, और शाम को फिर जाके शार्क फीडिंग देखी। उसके अलावा मैंने पैराडाइज आइलैंड में भी काफ़ी ज़्यादा घूमा, तो ओवरऑल डे वाज वेरी गुड। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो सीरीज़ को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि ये सीरीज़ कैसी लग रही है। इसके अलावा मैं जल्दी ही अगले एपिसोड्स भी डाल दूंगा इस सीरीज़ के, तो उनको देखने के लिए, नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए। जैसे ही आप ऑल नोटिफिकेशन ऑन करते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा इस चैनल पर। उसके अलावा ये सीरीज़ के और भी एपिसोड मैं डाल चुका हूँ चैनल पे, तो आप जाके उनको भी देखिए अगर नहीं देखे हैं अभी तक। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अलविदा।